एक गलत फहमी हमारे जहन में होती है कि ख्वाब में जनाजे को देखना किसी मौत या परेशानी की तरफ इशारा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ख्वाब में जनाजे को देखने की हकीकत क्या है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब में जनाजे को देखना बुजुर्गी, सर बुलंदी, कामयाबी, इज्जत में इजाफे और मर्तबे के मिलने की वाज़ह दलील है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि उसका जनाजा लोग अपने कंधों पे उठाए हुए हैं तो ये किसी मकाम या मर्तबे के मिलने की तरफ इशारा है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि किसी दूसरे का जनाजा वो अपने कंधे पे उठाए हुए हैं तो किसी नौकरी या किसी बड़े इंसान के मुलाजिम बनने की तरफ इशारा है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि जनाजे का वजन भारी है तो ये किसी मर्तबे मिलने के बाद जुल्म करने की तरफ इशारा है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि जनाजे का वजन हल्का है तो ये किसी मकाम मर्तबे मिलने के बाद रहम दिल होने की तरफ इशारा है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि किसी जिंदा इंसान का जनाजा लोग उठाए हुए हैं तो ये किसी परेशानी या मुसीबत आने की तरफ इशारा है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि जनाजा जल रहा है तो ये किसी मुकाम या मर्तबे या काम में नुकसान की तरफ इशारा है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि जनाजा हाथों से गिर गया है तो ये किसी मंजिल या मुकाम से गिरने की तरफ इशारा है। तो ऐसे इंसान को चाहिए कि हस्ब तौफीक सदका दे, अल्लाह उनको अपनी अमान में रखेगा। अल्लाह उनको अपनी अमान में रखेगा। अल्लाह उनको अपनी अमान में रखेगा।